सीएम नीतीश कुमार के जनता राज वाले बयान पर एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर फिर हमला बोला है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हुए कई मामले उठाए हैं। मोदी ने कहा कि पीर बहोर थाना में आरजेडी समर्थक घुसकर डीएसपी से मारपीट करते हैं। लालू यादव का मंत्री अनवर अहमद को थाने छोड़ देती है, क्या यही जनता राज है? आइए सुनते हैं क्या कहा सुशील कुमार मोदी ने। पिछले दो दिनों से बिहार की राजधानी पटना की पिरबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या है? चूँकि पिरबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया, इतना ही नहीं तो पुलिसकर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता हैं अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा MLC के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करते हैं और उनका बेटा असफर अहमद वो जाता है और पुलिसकर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई है कि दूसरे थाने भेज देती है। यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते हैं जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं कि उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है बिहार के अंदर।